might have it. दोस्तों यहाँ आप इस तरीके से संतरे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े छोटे से हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं सात जिले जरा। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ दिल्ली में मुगल गार्डन में। ये 31 जनवरी से लेके 26 मार्च तक खुला हुआ है और यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े हैं। इसमें आपको आने के लिए टाइमिंग, लोकेशन और यहाँ पर आने में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी वो मेरी वीडियो में आप पूरा एंड तक देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको 2023 के मुगल गार्डन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मुगल गार्डन के बाहर, गेट नंबर 35 है। और अगर आप यहाँ पर अपनी बाइक से आ रहे हैं कार से आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पार्किंग है, आप पार्किंग में लगा सकते हैं। अगर बाय द वे अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंटर सेक्रेटरी, उसके बाद आप वहाँ से 20 रुपये का ऑटो करेंगे, ऑटो वाला आपको यहाँ पर गेट नंबर 35 पर छोड़ देगा। इसके बाद मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर डिजिटल टिकट निकलेगी जहाँ पर आपको फ़ोन नंबर और नाम डालने के बाद आपको वहाँ से टिकट मिलेगी और यहाँ से आपकी एंट्री होगी मुगल गार्डन अंदर। वहाँ पर आपके साइड में, यहाँ पर इसके साइड में ठीक लगेज रखने के लिए जगह है जहाँ पर अपने बैग वगैरह आप रख सकते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ से एंट्री करने के बाद उसके बाद आपकी सेकंड एंट्री होगी अंदर। तो आइए चलते हैं अंदर और कैसे कैसे सारी चीज़ें देखते हैं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों तो हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बोर्ड देखने के लिए मिलेगा, इस पर सारी लोकेशन है कि आप कैसे कैसे जाएंगे और कैसे कैसे आपको आगे रास्ता मिलता रहेगा। तो चलिए वैसे हम भी आगे आगे चलते हैं, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा अंदर आने के बाद आप जब 100 मीटर 200 मीटर अंदर आएंगे एंट्री करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पर ये हर्बल गार्डन दिखेगा। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं और क्राउड देखें, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, कोई टिकट नहीं है मुगल गार्डन की, फ्री है एकदम। तो अपने बच्चों को इस मौसम में ज़रूर लेके आएँ और यहाँ पर देखें किस तरीके से फैमिली अपने अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जगह है काफ़ी अच्छी, तो इस बार तो आप इंजॉय करें ज़रूर यहाँ पर आकर। ये देख सकते हैं दोस्तों बेस्ट मोमेंट है ये भी एक, जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप आगे आएंगे फिर उसके बाद आपको ये इस तरीके से खेती दिखेगी, ये तुलसी की है और यहाँ पर QR कोड है, ये देख सकते हैं आप, ये अमृत उद्यान का है क्योंकि मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर QR कोड से स्कैन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है, लोग इस बार मुगल गार्डन घूमने आए हुए हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें अलग है यहाँ पर। दोस्तों ये है बोनसाई गार्डन और इसके बाद यहाँ से इसकी एंट्री है। दोस्तों ये हैं सारे बोनसाई गार्डन के बोनसाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें देखने में मुगल गार्डन में काफ़ी फील अच्छा होता है। इन सब की अलग अलग खासियत है और यहाँ पर इन सब के अलग अलग नाम। दोस्तों ये है म्यूजिकल गार्डन, यहाँ के फाउंटेन की खास बात यह है कि आप यहाँ पर रेनबो देख सकते हैं। अगर वीडियो में आपको दिख रहा हो एक यहाँ पर रेनबो है और बाकी दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये फाउंटेन म्यूजिक के हिसाब से चलता है। तो वो म्यूज़िक में भी आपको सुना नहीं सकता क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, तो मगर इसका मज़ा अलग है कि जैसे ट्यून चेंज होती है तो इसकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाती है, जो मज़ा आपको इस मुगल गार्डन में देखने में इस बार मज़ा आएगा। दोस्तों यहाँ आप इस तरीके से संतरे देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े छोटे से हैं मगर अच्छे लग रहे हैं। थोड़े खाने का मन करेगा मगर ऐसा मत करना क्योंकि यहाँ पर ये भाई साहब गार्ड साहब हैं और ये सब वाले यहाँ पर काफ़ी मारेंगे। दोस्तों अगर मुगल गार्डन आप आए हुए हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा व्यू जो है वो मेरे पीछे इस टाइम यहाँ पर ही है, सबसे बेस्ट फोटो यहाँ पर ही आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मतलब फूल्स हैं इस साइड, सॉरी, और यहाँ का व्यू मतलब इस टाइम इतना ज़्यादा क्राउड है, अगर आप जब भी आएँ तो टाइम ज़्यादा निकाल के आएँगे फोटो वोटो खींचने के लिए। यहाँ पर क्राउड आप देख सकते हैं किस तरीके से है और लोग मतलब इंजॉय करने आए हुए हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। और
मज़ा काफ़ी आता है। आप जब ऐसी जगह पे आते हैं यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। और व्यू राष्ट्रपति भवन पीछे है और यहाँ पर अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें। दोस्तों ये रहा राष्ट्रपति भवन के पीछे का नज़ारा और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े देश के नेता टहलते हैं जब आम दिनों में पब्लिक यहाँ पर नहीं आती। और फिलहाल अगर आप यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर और कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, कितनी क्लीन है। तो आप भी यहाँ पर आके लुत्फ़ उठाएं, एंजॉय करें फैमिली के साथ और देखें यहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन का नज़ारा। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा है यहाँ पर और संडे दिन तो बिल्कुल ही मत चुनिए आने के लिए यहाँ पर अगर आपको बहुत आराम से चीज़ें देखनी है। ये है पिंक रोज़ और मतलब कितने बड़े बड़े हैं ये देख सकते हैं दोस्तों आप। सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पर ही है मुगल गार्डन में, आपको एकदम पूरा फील होगा कि यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से रोज़ हैं, सामने ऑरेंज है और इन रोज़ के साइज़ काफ़ी बड़े हैं, मतलब चाइनीज़ रोज से हैं। यहाँ पर सबका QR कोड लगा हुआ है, वहाँ पर अगर आपको नॉलेज लेनी है तो वो भी पता चल जाएगी। और यहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा है, बड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। इस साइड वाइट है, वाइट रोज है इस साइड जो कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको कुछ अलग नज़ारे दिखते रहेंगे। चाहे आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से गमले लगे हुए हैं, आप पास से ही फोटो ले सकते हैं। दोस्तों ये है रोज़ लैंडोरा, येलो रोज़ इसे अगर सीधी भाषा में कहा जाए। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वहाँ पर इसका QR कोड है और तो आप उससे ले सकते हैं जानकारी स्कैन करके। उसके बाद यहाँ पर भी रेड रोज़ है, देख सकते हैं कि देखने में कितना खूबसूरत है। और ऐसी चीज़ें पूरी मुगल गार्डन में भरी हुई है। और ये एक साल के लिए ये देख सकते हैं दोस्तों जाएगा, वो भी मजे कर रहा अंदर भी। और यहाँ पर इस तरीके से आपको रोज़ की बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिलेगी जो हर जगह नहीं मिलती। दोस्तों मुगल गार्डन की खुलने की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की, 4 बजे आपकी लास्ट एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री नहीं होगी तो उससे पहले ही आया। दोस्तों ये है गोल्डन शावर। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गोल्डन शावर में, ये बेस्ट पार्ट है यहाँ पर मुगल गार्डन का, सेकंड बेस्ट पार्ट, पहले राष्ट्रपति भवन देखना पड़ता और फिर उसके बाद ये गोल्डन शावर जिसका व्यू बहुत लोगों को बहुत पसंद है। और इसके पीछे आप देख सकते हैं पीछे फ्लावर्स हैं काफ़ी बड़े हैं और यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोड़ सकते हैं, मगर ऐसा करना मत, किसी ने देख लिया तो शायद काफ़ी ज़्यादा मार पड़ जाए। तो मगर अपनी फैमिली साथ जब भी यहाँ पर विजिट करेंगे, फ्रेंड के साथ विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। बस संडे के दिन बताइएगा, मेरी पर्सनल राय है, बाकी मर्जी आपकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चाय, आप फ्लावर का साइज़ देखें, फ्लावर यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े हैं, गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में जैसे मदर को सिस्टर को किसी को भी लेके आते हैं और ज़रूर आएँ यहाँ पर। और यहाँ देख सकते हैं बेस्ट व्यू, चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़। दोस्तों यहाँ पर ये मैजिक कप है और यहाँ सब आप प्राइस ले सकते हैं, 300 से स्टार्ट है मग के। और दोस्तों पहले तो मैं याद नहीं कि यहाँ पर मुगल गार्डन में कुछ सामान मिलता था, मगर इस बार आप परचेस कर सकते हैं, ये एंटिक चीज़ें हैं मुगल गार्डन की, तो आप एक बार आके ज़रूर देखें। दोस्तों यहाँ पर है सेल्फी स्पॉट, यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं। और इसके ठीक बराबर में फूड, आप यहाँ से फूड ले सकते हैं, चले चले थक गए हो वीडियो शूट करते हुए घूमते हुए, तो यहाँ पर आप फूड ले सकते हैं। इसके प्राइस ये रहे, आपको यहाँ पर दिखेंगे राजमा चावल पाव भाजी 80 रुपये प्लेट है और 60 रुपये 80 रुपये, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारे यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हुई और कैसी रही वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस साइड आपको पिंक रोज देखने के लिए मिलेंगे और मेरे बैक साइड पे राष्ट्रपति भवन और जिस साइड पे रेड रोज है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर जिससे फ्लावर्स पसंद है ज़्यादातर बंदों को होते हैं, गर्ल्स को काफ़ी पसंद होते हैं और फैमिली मेम्बर में बच्चे आते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप यहाँ पर फैमिली के साथ ज़रूर विजिट करें एक बार। मगर हाँ संडे का दिन बिल्कुल ही मत चुनना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है उस टाइम पे, वीडियो शूट करने में फ़ोटो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। आप इस साइड दे सकते हैं रेड रोज है सारे, और
वैसे ही फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो वो कैसी रही वीडियो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ जी ले जरा।